ताबिश की हत्या का खुलासा, दो हत्यारे गिरफ्तार। अवैध संबंधों के चलते हुई थी हत्या। रामपुर के थानागंज इलाके में 26 मई की रात में ताबिश नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। आज पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई थी। गिरफ्तार आजाद कमाल ने पूछताछ में बताया कि ताबिश ने मेरी पत्नी को प्रेम जाल में फंसा लिया था, जिस कारण घर में झगड़े होने लगे थे और मेरी पत्नी 2 महीने पहले अपने साथ मेरे 5 वर्षीय बेटे व 1.5 वर्षीय पुत्री को लेकर मेरे घर से चली गई और ताबिश के साथ आसरा कॉलोनी में किराए के कमरे में रहने लगी थी। अपनी पत्नी के बच्चों को ले जाने पर ताबिश की हत्या कर दी। पुलिस टीम ने आजाद कमाल व उसके सौतेले भाई सह अभियुक्त शहजाद उर्फ जोसेफ को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। अभियुक्त गन के कब्जे से निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त की गई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल एवं आला कत्ल, 2 तमंचे, 315 बोर व दोनों तमंचों की नाल में फंसे हुए 2 कारतूस बरामद हुए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त आजाद कमाल की पत्नी से मृतक के अवैध संबंध थे, जिसके चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नाम 26/5/20 की रात को करीब 9:30 बजे रामपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है गंज थाना क्षेत्र में। पुलिस ने उसमें मुकदमा पंजीकृत किया, जिसमें एक नामजद व्यक्ति था और 2 अज्ञात व्यक्ति थे। कल रात को 31 मई की रात को करीब 12 बजे गंज पुलिस और SOG की टीम की सेम टीम ने 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है, जिसमें एक का नाम आज़ाद है, दूसरे का नाम शहजाद है। इन लोगों ने कबूला है कि 26 की रात को इन्होंने गोली मार के हत्या की थी। हत्या का मोटिव इन्होंने ये बताया कि आज़ाद की धर्मपत्नी से मृतक के कुछ अवैध संबंध थे, जिसके लिए मृतक और आज़ाद की कई बार पहले झगड़ा भी हो चुका था, नोकझोंक हो चुकी थी और वो उनसे अपनी गहरी दुश्मनी मानता था और अपना बदला, बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। इसी क्रम में उसने प्लान किया और 26 मई की रात को जब मृतक अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था तहसील के सामने, उन्हें ओवरटेक करके उनके सर में गोली मार के हत्या कर दी। हत्या में प्रयुक्त किया गया आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया और वो मोटरसाइकिल जो आज़ाद और शहजाद ने यूज़ करी थी उसे भी बरामद कर लिया गया है।